कांग्रेस भवन बेगूसराय में जिला कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा शोक श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत नेता सदानंद सिंह तथा पूर्व कांग्रेस प्रदेश एवं जिला कांग्रेस सेवा दल के दिवंगत नेता राम सेवक सिंह और बंधु जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शोक संतप्त परिवार को असंख्य दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया। इस अवसर पर पूर्व विधायिका अमिता भूषण ने अपने दिवंगत नेता के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए कार्यकर्ताओं से भी पालन करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महिला अध्यक्ष अमिता भूषण, पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह, उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार झा, जिला सेवा दल अध्यक्ष जयप्रकाश शाह, कांग्रेस के किसान सेल जिला अध्यक्ष श्रीकांत राय, पार्टी के युवा नेता रत्नेश कुमार टुल्लू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सभा में इसकी सदारत कर रहे हैं श्री अर्जुन सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ श्रीमती अमिता भूषण जी प्रदेश महिला सेल की अध्यक्षा तथा बेगूसराय विधानसभा की सदाबहार नेत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हैं आपके बिहार प्रदेश शिक्षक कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अभिषेक बाबू भी उपस्थित हैं। सभी उपस्थित सदस्यों ने इन लोगों के नेतृत्व में श्रद्धा सुमन स्वर्गीय श्री सदानंद सिंह जी, जिनको मैं भी 1974 से जानता हूँ, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उस समय से वो उस मंत्री के रूप में थे। कद्दावर नेता थे, 9 बार विधानसभा उन्होंने जीता, 1 बार निर्दलीय जीत करके और पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। यही ऐसे नेता ये थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ये उस पद पर भी आसीन थे। इस महान नेता को कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे बिहार समुदाय ने खो दिया है, यह अपूर्णीय क्षति है। साथ ही हम अपने जिला के सेवा दल के महान स्वर्गीय कार्यकर्ता एवं नेता श्री राम सेवक बाबू उर्फ बंधुदा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि चाहे कांग्रेस अथवा सेवा दल का किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो तो बिना उनकी सुरीली आवाज़ को सुनकर उस कार्यक्रम में जो है कोई समापन होना संभव नहीं था। उनके गीत की हर सुर जो है हम लोगों को सदा सर्वदा याद रहेगी और उनकी कमी हम लोग महसूस करेंगे। आशा करते हैं कि आज श्रद्धांजलि सभा के दिन सभी लोग आपस में मिलकर जितने भी कांग्रेसी हैं उनके अलख को, उनकी कांग्रेसवादी एकता को, इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी एवं राहुल जी के नेतृत्व को न केवल शहर में देहात में इसे फैलाएंगे और कांग्रेस का जो तिरंगा है उसको लहराने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति, उन लोगों के प्रति है। मिथिलेश कुमार झा, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश शिक्षक कांग्रेस प्रकोष्ठ, पटना।